हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर 7 का पार्ट 2, दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। कल के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है ना, और कैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोलर रीजन्स और पोलर रीजन्स पर रहने वाले एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पोलर रीजन्स पर रहने वाली जो कुछ कंट्रीज हैं या पोलर रीजन्स पर जो कुछ कंट्रीज हैं उनके नाम ये सब हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सब क्या है? ये सब कंट्रीज पोलर रीजन्स पर हैं। एग्जांपल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। अब ये रेन फॉरेस्ट क्या होता है या रेन फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? आपने अर्थ देखा था, ठीक है, यहाँ देखो ये अर्थ है। अर्थ बीचों बीच इक्वेटर है, इक्वेटर से ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, यानी यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होते हैं क्योंकि उनको धूप, पानी, बारिश सब कुछ मिलता रहता है ना। तो इस एरिया को यानी 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर और यहाँ से 20 किलोमीटर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज है, ये देख लिया आपने, इंडिया है, मलेशिया, इसीलिए आप इंडिया को देख लो, इंडिया में कितनी ज्यादा जो आपकी क्रॉप उगाई जाती है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है ना इंडिया में, है ना, ग्रो की जाती है, वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में आता है। ठीक है, अब आता है पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर रीजन्स है वहां पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी यहाँ पर हमेशा बर्फ रहेगी, आपको बर्फ बहुत मिलेगी, बर्फ से ढके हुए होंगे पोलर रीजन्स और साल के बहुत सारे टाइम तक ये ठंडे रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स व्हाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। यानी यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। कहाँ पर? पोलर रीजन्स पर। ध्यान रखना इस लाइन को कि पोलर रीजन्स पर 6 मंथ दिन होता है और 6 मंथ रात होती है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। यानी ठंडियों में जो टेम्परेचर होता है वो कितना लो पहुंच जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हो कि -37 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना ठंडा मौसम होता होगा कि वहां पर आपका खून भी जम जाएगा, कोई नहीं रह सकता वहां पर, है ना। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवर कंडीशंस। यानी जो एनिमल्स वहां रहते हैं वो अपने आप को उस कंडीशन में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने बॉडी को वो ऐसा बना लेते हैं कि वो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। लेट्स सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग दैट एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। यानी दो ऐसे एनिमल्स हैं जो वहां रहते हैं, एक तो है पोलर बियर्स और दूसरा है पेंगुइन्स। तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोलर बियर्स। ब्लबर इज द थिक लेयर ऑफ फैट। जो फैट की बात में अभी आपसे मैंने कल की थी कि जो कोल्ड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत फैटी होती है। इसका मतलब उस फैटी लेयर को क्या बोलते हैं हम? ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फैटी लेयर को? द फैटी लेयर इज कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? ये एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ये एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई होती है, डायरेक्टली अंडर द स्किन ऑफ ऑल मैराइन मैमल्स। और ये जस्ट स्किन के अंदर होता है, ये जितना भी फैट होता है वो जस्ट स्किन के अंदर होता है।
ताकि बाहर की जो ठंड है वो एनिमल्स को ना लगे, जो बाहर से जो ठंड आ रही है वो एनिमल्स की बॉडी में अंदर तक ना जा पाए। जितने भी मैराइन मैमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जितने भी मैमल्स होते हैं, उनकी भी जो लेयर, जो स्किन होती है वो थिक लेयर होती है फैट की, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, और जो किसकी बनी हुई होती है, एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो पोलर बियर के बारे में एक फैक्ट पता चल गया। अब दूसरा देखो, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, यानी जब गर्म होगा मौसम, अब ठंड में रहते रहते इनको इतनी ठंड की आदत पड़ जाती है कि जब वहां पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन होता है तो इनको गर्मी लगने लगती है। तब ये क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए ये पानी में जंप कर देते हैं और वहां पर ये स्विमिंग करने लगते हैं और अपने आप को कूल कर लेते हैं, ना। द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, इट इज गुड स्विमर। जो पोलर बियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। इनके जो पंजे हैं वो चौड़े और बड़े किस लिए होते हैं, खाली पानी में तैरने के लिए नहीं होते हैं, ये बर्फ पर इजीली चल पाए, इसीलिए जो इनके पंजे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। और इनके जो नेल्स होते हैं ना, ये अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते। जैसे नॉर्मल एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इनके पंजे ऐसे नहीं होते। इनके पंजे जो होते हैं, इनके जो नेल्स होते हैं वो स्किन में गड़े हुए होते हैं ताकि ये पैर जमा के चल पाए। ठीक है, व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये पानी में ना डुबकी भी लगा सकते हैं, अपनी नाक को बंद करके, अपनी नाक को बंद करके अंडर वाटर जाकर बहुत लंबे टाइम तक ये रह सकते हैं। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो बहुत तेज होती है, और इसी की हेल्प से ये अपने प्रे को या अपने शिकार को बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं, पानी के अंदर भी और बर्फ में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जो किसमें हेल्प करती है, उसको अपने प्रे को पकड़ने में, अपने शिकार को पकड़कर खाने में हेल्प करती है। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, बताया था ना मैंने, लंबे होते हैं, कर्व होते हैं और शार्प होते हैं, यानी अंदर की तरफ इस तरीके से झुके हुए होते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, और जो किसमें हेल्प करते हैं, इनकी बर्फ में चलने में इनकी हेल्प करते हैं। इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इनकी स्किन के अंदर एक फैट लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्लबर बोलते हैं, जो किसकी बनी हुई होती है, एडिपोज टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई होती है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, फैट क्या करता है, इनकी बॉडी को ठंड से बचाता है और इन्हें गर्म रखता है। दीज कीप्स इट वार्म इन कोल्ड वेदर, और ये इनको ठंडे मौसम में भी क्या रखता है, गर्म रखता है। इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर, फर की इनकी बॉडी पर फर की दो लेयर होती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, और इसीलिए इन जो प्रेडेटर्स होते हैं, यानी जो शिकारी होते हैं वो, या जो शिकार इनका, इनका जो शिकार होते हैं वो इनको देख नहीं पाते, क्योंकि ये भी वाइट होते हैं, स्नो भी वाइट होती है, तो ये इजिली विजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, क्यों, अभी मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि स्नो भी वाइट है और इनकी जो बॉडी है वो भी वाइट है, तो ना तो इन्हें प्रेडेटर्स देख पाते हैं ना इनके प्रे देख पाते हैं। ठीक है, तो पता चला आपको बियर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पेंगुइन्स के बारे में। द पेंगुइन्स अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजंस इज द पेंगुइन, इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, यानी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, जो बैक साइड है इनकी ब्लैक होगी और जो फ्रंट साइड है वो इनकी व्हाइट कलर की होती है। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, जो इनको ठंड से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्स टुगेदर, यानी जो पेंगुइन्स है वो हमेशा हडल्स में रहती है, हमेशा झुंड में रहती है, पेंगुइन कभी अकेली नहीं रहती। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये हडल्स में रहकर अपने आप को
गर्म रखती है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो इसी तरीके से वार्म बनी रहती है, क्योंकि जहां ये रहती है वहां पर या तो बर्फ है या पानी। तो इनकी स्किन पे फर नहीं होती, ठीक है, इनकी स्किन पे फर नहीं होती, इसीलिए इन्हें अपने आप को वार्म रखने के लिए ग्रुप में रहना पड़ता है और एक दूसरे से चिपक कर रहना पड़ता है, इससे ये अपने आप को वार्म रख सके। ठीक है, आगे देखो, अब इनके क्लॉज के बारे में बात करते हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर, जैसे पोलर बियर्स स्विमर होते हैं वैसे ही पेंगुइन्स भी बहुत अच्छी स्विमर होती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वार्प्स, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड मतलब फिश जैसी, स्ट्रीमलाइंड मतलब फिश जैसी, फिश की बॉडी कैसी होती है इस तरीके से कि यहां से तो पतली और यहां से चौड़ी है ना, तो इनकी बॉडी भी इजीली स्विम करने के लिए इस तरीके की बनी हुई होती है ताकि ये पानी को कट करके आगे की तरफ बढ़ सके। Their bodies are streamlined and their feet have wasps, making them good swimmer. और इनके जो feet होते हैं, ऐसे करके इनमें web, यानी जैसे बदक के पैरों में web होते हैं, ऐसे ही इनके feet में web होते हैं ताकि ये easily swimming कर पाए। ठीक है, समझ में आया, दो बातें समझ में आ गई कि इनकी जो body होती है वो streamlined होती है and feet have webs. Clear? अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, यानी इनके अलावा जो बहुत सारे और एनिमल्स हैं वो क्या क्या हैं, बहुत सारी टाइप की फिशेज हैं, मस्क ऑक्सन है, रेनडियर है, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, व्हेल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स भी पोलर रीजन्स पर बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, मतलब जो फिश है वो पानी के अंदर, बहुत ठंडे पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह सकती हैं, और इसी तरीके से जो बर्ड हैं वो गर्म मौसम में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन, और ये माइग्रेट कर जाती हैं कब, जब विंटर सीजन आ जाता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन, यानी गर्म रीजन पर की तरफ कब माइग्रेट करती है, जब जहां ये रह रही है वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और कब वापस आती है, जब ठंडियां खत्म हो जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, आपने राजस्थान का केशवदेव घना पक्षी विहार के नाम का नाम सुना होगा, है ना, वहां पर बहुत सारी बर्ड्स आती है, जो माइग्रेट होकर आती है उस मौसम में, जब जहां ये रह रही है वहां पर ठंड होती है, और ये वहां का राजस्थान के घना पक्षी विहार में, जिसको नाम अब केशव देव दे दिया गया शायद, वहां पर ये बहुत लंबे टाइम तक रहती है। जब इनका मौसम, इनको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर ठंड आ रही है, तो ये यहाँ से माइग्रेट करके अपनी उसी प्लेस पर वापस चली जाती है जहाँ ये रहती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार में, सुल्तानपुर इन हरियाणा में, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, यानी राजस्थान का जो भरतपुर पक्षी विहार है, जो केशव देव पक्षी विहार है, वहां पर ये साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, और जब यहाँ पर मौसम ठंडा हो जाता है तो ये यहाँ से भी माइग्रेट कर जाते हैं आगे। ठीक है, चलिए आज सेकेंड पार्ट खत्म होता है, जितना मैंने आपको आज कराया एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे, अपनी बुक से पढ़ेंगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन आपको आज का कैसा लगा, कितनी बातें समझ में आई, कितनी नहीं आई। अगर आई है तो जल्दी से कर दो, अभी कर दो कमेंट, जब देख रहे हो तभी कर दो, फटाफट से लाइक भी कर दो ज्यादा से ज्यादा, और शेयर जितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 5, 6, 7 और 8 सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो मैथ्स की बन चुकी है ना। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो अपने क्वेश्चंस को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने वहां कराया जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, तो आप बिल्कुल वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसी के थर्ड पार्ट के साथ, है ना, चलो कल मिलेंगे फिर, बाय बाय।